अजी भाई साहब आ जाओ, ले 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 अजी भाई साहब आ जाओ, अरे आओ 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 आ जा जाओ। यो देखो धर्मपाल पूरे रोहतक के बाल यूं कुतरवाना चाहवे है, तो कान खोलने की जल्दी में यो यो नौसी के पकड़ा आया कहीं ते। आप बताओ भाई साहब के हुआ आपके साथ, आप खुद ही बताओ। ओना के है भाई है? जब धर्मपाल जी बाल काटते थे तो मन मोर बन के नाचने लगता था, और आज इसे बाल कटे हैं कि मन चूहा बन के बिल में घुसने को हो रहा है यार। ओ भाई व्हाट है, आप लोगों ने ना हुई कदे गलती न होती है, पर हमारी गलती की वजह से किसी बेचारे मासूम इंसान की जिंदगी ऐसे नरक ना हो जाती। देखो बेचारे की नास मार दिया जी बालों का। मैं तो कह रहा हूँ कि इब काटेलाल एंड सन्स का लॉकडाउन हो ही जाना चाहिए। ओए क्यों शोर मचा रहे, जिस किसी भी फंक्शन में जा रहा है ना तू, वहां का सबसे ट्रेंडिंग स्टाइल होगा यो, गारंटी है मेरी। मैं कह रहा था इससे टिकाना टेस्टी खराब है। ओ भाई जो मुंह में आ रहा है बके जा रहे हो, तुमने पता भी है कहां जा रहा हूं मैं, 13वीं के फंक्शन में। 13वीं को फंक्शन कौन बोलता है बे? 13वीं तो 13वीं होता है ना। ओ भाई यो बोलते चाहे कुछ भी हो, अगर मैं इसे बाल लेके चला गया ना, मेरे पिताजी ने मेरी चित्तर परेड कर देनी है। अरे मेरी 13वीं मन जानी है यार। 13 से पहले तो हमारे पापा जी हमारी कर देंगे। इसके पापा जी मतलब ताऊ जी, आप लोग जाओ मैं कुछ करता हूँ। चलो चलो भाई, पहली बार बैठा था तो मुंह दुकान लायक ना छोड़ा, इब ऐसा ना कर देना कि सैर छोड़ना पड़े यार, देख लेना भाई। मैं सही कर दूंगा। मेरी आंखों के सामने तो बार बार ताऊ जी आ रहे हैं। OMG देखो ये तो तवे से उतार के आग में डाल दिया हनुमान जी ने। पहले तो ये चिंता सता रही थी कि दुकान कैसे खुलेगी, अब यो सता रही कि पुत्तू का काम देख के दुकान हमेशा के लिए बंद ना हो जाए। कुसुम तू एक काम कर, तू रिक्शा बुला, मैं हाथी बाजार होके आता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उन्हें, बेचैनी सी हो रही है। फिर से फोन आ रहा है, फिर से खरी खोटी सुननी पड़ेगी किसी की। अरे उठा लीजिए, अपना ही बच्चा है उस तरह उठाइए। मनु बच्चों को माफ कर दे, अरे ये मेरी गलती थी, मैंने इस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, गलती होगी मेरे से। भाई साहब इसी तो कोई बात ना है। काटेलाल एंड सन्स में ऐसा होगा मैंने कभी ना सोचा था। भाई साहब आप मेरी तो बात सुन ना रहे हो, अरे मैं कह रहा हूँ घना टैलेंटेड छोरा है आपका, अरे आंख उठा के देखो तो सही, के बढ़ा दिया इसने मेरा। भाई साहब मेरा ना अंदाजा गलत निकल गया, माना छोरे से गलती होगी पर छोरे ने कैंची चला के सब ठीक कर दिया। भाई साहब इसके हाथ में जादू है जादू। मेरा मन कह तो रहा था इतना गलत तो ना हो सकता मेरा बेटा। प्रताप जी अभी तो आप कह रहे थे मेरे साथ पे बत्ता लगा दिया वो। अरे गुस्से में कह दी होगी, हमारा खून तो एक ही है ना, DNA भी सेम टू सेम है मेरे यार। भाई साहब आप इसकी तारीफ क्यों कर रहे हो बाल। प्रताप जी और भी कसम मना रहे भाई भाई। अरे ब्रो कुसुम मैंने गल्ला भी देखा, उसमें पैसे भी थे, कमाई करन लाग रहा मेरा पुत्तू। पुत्तू कमाने लग गया कब? छोरों में ये गुण तो होता ही है, भाई मानना पड़ेगा जिम्मेदारी पड़ते ही टैलेंट भी उगाता है। अरे आओ 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 भाई आओ, कमान 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 आ भाई भाई, वापस से पूछना वही वाला सवाल। पूछो। अरे वही वाला कि मन्नू जी आपको हेयर कटिंग के बाद में कैसा लग रहा है, अभी आपको खुद ही बताएंगे, सेफ रहो। ना भाई छोरे तो टैलेंट से भरपूर है भाई, स्वाद आ गया भाई, जीक सा खुश हो गया यार, और तो और भैया ने पीछे भी ना लिए। भाई मैं तो ये कह लाग रहा हूँ काटेलाल एंड सन्स में हेरा फेरी तो कतई ना हो सके, कस्टमर सर्विस के तो झंडे गाड़ रखे धर्मपाल ने। चलो चलो जिसे बाल कटवाना है बस वही रुके, पर इस बार पैसे लगेंगे। अरे 50%
70%. पैसे की बात की सब निकल लिए, कोल्ड ड्रिंक भी क्या? ओके ब्रो, लेट्स कम। तेरे पूर्वजों का नाम काटेलाल है, दानवीर करण ना है जो लोगों की फ्री फंड में हेयर कट करा रही है, वो बैंक मैनेजर की टिंडे जैसी शक्ल याद है ना, लट लेके घर पहुंच जाएगा ईएमआई लेने। सत्तू तू बस देखता जा, ये के छोड़े हुए पैसे ना कैसे मल्टीप्लाई होके वापस आएंगे। अरे मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहते हैं इसे ना। अपनी स्ट्रेटजी तो सिंपल है, बाल काटो पैसे लो। ये तेरी नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझ आ रही मुझे कि दो दो बार हेयर कट करो लेकिन पैसे एक बार भी ना लो। ऐसे तो दो महीने छोड़, दो साल में भी 50,000 जमा ना हो पाएंगे। सत्तू चाचा का फिर से फोन आ रहा है, इस बार तो बात करनी पड़ेगी। हाँ चाचा। ना हो कहा था हम तम ने ढूंढ ढूंढ के मैं बावड़ा हो लिया, तारे फोन की बाट देखने लग रहा हूँ। तारी क्लास खत्म ना हुई अभी तक? चाचा क्लास तो कब की खत्म हो गई, वो प्रियंका जबरदस्ती हमें साथ में ले आई, मैं तो मना कर रही थी। तो तम एक भी प्रियंका के साथ ही हो? हाँ और के। तो मेरी आँखें के आगे के प्रियंका का भूत नाच रहा है, ये सामने खड़ी प्रियंका तम तो दूर दूर तक ना दिख रही। चाचा कौन सी प्रियंका दिख रही है आपको? ना कितनी प्रियंका है, तारी क्लासमेट प्रियंका चौटाला और कौन? अच्छा चाचा हम तो अपने क्लासमेट के साथ है ना, हम तो वो प्रियंका मेहरा के साथ है। तो एक काम करो, तारी लोकेशन भेजो, मैं वहीं आके प्रियंका मेहरा से भी मिल लेता हूँ। ना ना हमारा काम बस हो गया, हम तो बस निकल ही रहे थे, वो SUPW के काम से आए थे चाचा, वो सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। वाली सर ने कहा था कि वो स्वच्छता अभियान के 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो कचरे से गैस बनाना सिखा रहा है ना। मैंने पता है SUPW की फुल फॉर्म। अच्छा कौन से एरिया में जा रहे हो? वो रेलवे फाटक के पास प्रेम नगर, वहीं पे काम हो गया, गैस बन गया, हम बस निकल रहे, आपको घर पे आके शाम को सब कुछ बताता हूँ, बाय। क्या कर रही है तू? मैंने बड़े बड़े फेंकने वाले देख लिए लेकिन तेरे जैसा लपेटने वाला ना देखा। किडीज बुक में नाम होना चाहिए तेरा। एक तो तुझे बचा रही हूँ मैं, तू मेरी मजे ले रही है। मेरी मजे ले रही है अभी। घर पे मिलके बताता हूँ। ये छोरों जैसे क्यों बात कर रही हैं छोरियां? और ये ओम साइंस में कचरे से गैस बनाना क्यों सिखा रहे हैं? जरूर कोई खिचड़ी पका रही है इस गैस पे ये, और इस खिचड़ी की खुशबू भाई साहब के पास पहुंचने से पहले मेरे नाक तक पहुंचनी चाहिए। घर पे आके घेरता हूं बेटा। इतनी मुश्किल से एक बकरा पकड़ के लाई थी मैं, उससे भी पैसे ना ली तूने, फिर से ढूंढना पड़ेगा। बकरा रहता हूँ। राम राम। राम राम राम। ये अवतार ऑटो पार्ट्स किधर है? अवतार पार्ट्स इधर है, इधर। यो तो वो प्रियंका का कॉलेज वाला माल है ना, इसको ही काटते। तुझे ना मत कर बहन, इस पे कैची ना चल पाएगी मेरी। ओए क्या? ना मैं कब से वहाँ खड़े खड़े आपको ऑब्जर्व कर रहा था। क्यों पर लगे हैं मेरे? ना यो विग बड़ा सही लग रहा है, वो कहाँ से खरीदा? कौन सा विग है, के बात कर रहा है, असली बाल है मेरे। तभी मैं सोचू यो विग इतना असली कैसे लग रहा है। ना मतलब पर्सनैलिटी ठीक ठाक है आपकी लेकिन हेयर कटिंग ठीक ना हुई आपकी। ना मैं क्या कह रहा हूँ कि जितना सोच समझ के अपना प्रोटीन शेक चुनते हो ना, वैसे ही अपना हेयर स्टाइलिस्ट भी चुन लिया होता तो बॉडी के साथ साथ मतलब हेयर स्टाइल भी ऑसम होता। छोटा चेतन एक बात बता, ये जो सलाह तू दे रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके पैसे लेगा? हैं? हैं के बच्चे, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे बाल एकदम परफेक्ट हैं और पर्सनैलिटी की बात कर रहा ना, जो एक बार शीशे में निहार लूं ना तो 15 मिनट तक शीशा भी नहीं छोड़ता मुझे। देख शीशा भी निहार रहा है मेरे को। लेकिन मैं न्यू कह रहा हूँ आप ना मेरे साथ चलो। अरे यूं नहीं आना चाहिए यहाँ पे, क्या करूँ? यो है काटेलाल एंड सन्स, स्वागत है आपका, और यो है नया आने वाला गुन्नू।
गुन्नू हाँ भाई सॉप तो बढ़िया भाई तुम्हारी कतई फ्रेम अच्छा लगा रखे हैं भाई आइसक्रीम के साथ जो गुलाब जामुन खाने का मजा ही अलग है गुन्नू का कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है अभी यही तो था अरे कहाँ गुरु है क्या हीरो वो चाय पीने गया आ रहा है इतनी मुश्किल से बकरा पकड़ के लाया हूँ और गुन्नू गायब अब तक कस्टमर गायब हो रहे थे अभी गुन्नू भैया गायब होने लग गए वेरी इजी भाई ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास तो बोट टेम है पर मेरे पास तो ना है और वैसे तो भैया हाँ कस्टमर चला जाएगा आप क्यों ना काट देते बाल मुझे मन से रेडी होना पड़ता है ना ब्रो नया हूँ ना हाँ यस ब्रो और वैसे भी ना ये कस्टमर ना फास्ट ट्रिमर फर्स्ट खेल रहा है डू यू नो 30 सेकंड में आके वापस आ रहा है दे यार और वैसे एक बात बताऊं अब तो हम नेबर्स होने वाले हैं तो मिलना जुलना तो होता ही रहेगा बाल फिर कभी कटा लेंगे बस ये हाथी बाजार में शॉप ओपन कर रहा है क्या यार ये गुन्नू भी ना एंड मौके पे गायब हो जाता है यूनो से क्या कहूं पता नहीं वो यूं दोनों निकम्मे जरूर हैं कस्टमर आया तो गुन्नू गायब तो गायब यो सब तो खड़े खड़े की कर रहा है इसने क्यों ना काट दिया बाल मैं किसी और को ढूंढता हूँ अब गुन्नू को ढूंढो ओके यू गो अरे यार सत्तू ब्रो सॉरी तू कहाँ से प्रकट हुआ भाई इतनी मुश्किल से बकरा ढूंढ के लाई थी मैं तो यही पे थी वो बैग से चिंगम निकाल रही थी ले या गी यू टेक वन बस ये तो चंचल चाची है अब बेटी जी पर यो आई किसके साथ है पता नहीं छुपने की जगह ढूंढू चंचल चाची की नाक बड़ी तेज है हमें तो सूंघ के पहचान लेगी चलो छुपो वैसे ना अपनों को थैंक यू बोलना नहीं चाहिए इसलिए मैं बोल भी नहीं रही बाल कटाने आए थे बाल काटने की दुकान में जलेबियां तो नहीं तलेंगे ना ना मैं न्यू पूछ रही थी कि बाल मेरे पुत्तू ने काटे हैं क्या हैं तो दिखाओ ना कैसे काटे हैं मार दिखाना जरा बेटे जी अरे आप दिखाना बेटे जी अरे बेटा एक सेकंड अच्छा आप दिखा दो थोड़ा सा हैं देख लिया चल भाई अजीब छोरे सकल से भी और हरकतों से भी ठीक है एक्सरे करवा के रखो मैं बस पहुंच रहा हूं गाय भैंस से लेकर इंसानों तक इंडिया में सब सड़क पे बैठे रहते हैं
अरे भाई वो हटो ना रास्ते से। तू वो मिनट सांस लेने दे जिसे देखो चिल्लाता। ओ लंदन रिटर्न, ये इंडिया यहाँ ऐसी होता है, थोड़ा सा गाड़ी पे टिक गए तो कौन सी खड़ो जाएंगी। आप जानते हैं मुझे? ना ना, वो आपको देख के लग ही रहा है कि आप लंदन से आए होंगे, इसलिए तो इंडियन से परेशान है आप। हाँ 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 भाई, ये लड़का क्या घूर कह रहे हो? पहले कभी छोरा नहीं देखा? छोरा तो देखा है, पर आपकी बातों से ना एक छोरी की याद आ गई। वही तो इंडिया में सबकी शक्लें एक जैसी दिखती है, एक को देखो दूसरे की याद आ जाती है। हाँ, पॉपुलेशन इतना है ना इंडिया में कि सबकी शक्लें एक जैसी दिखती है। आप डॉक्टर हो ना, आप पॉपुलेशन कम करने में बहुत मदद कर सकते हो, तो जाओ अस्पताल जाओ, काम करो। कहीं की बातें कहीं ले जाना है, सबको आता है। मुझे लगा था सिर्फ सुशीला जी की आर्ट है। एक सेकेंड, आपको कैसे पता मैं डॉक्टर हूँ? हमको कैसे पता आप डॉक्टर हैं? वो हमने सुन लिया था ना, वो आप फोन पे कुछ एक्सरे लेते हुए आना, कुछ तो चल सर, तो वो एक्सरे कराना। तो कहाँ जाना है? समझ नहीं आ रहा यार, ये मेरी इमेजिनेशन थी या ये सचमुच सुशीला जी की तरह बात कर रहा था? हाय, एक दिन में ही ना काम कर करके सूखे काटा हो गया है तू। अब बोल क्या रहे हो मम्मी, और व्हाट आर यू डूइंग हियर? हैं, तू बैठ इधर बैठ, ये बता फिटकरी कहाँ है? सारा काम तो अकेले संभाल रहा है ना, है? ये लो, मालिक दुकान संभाल रहा है और तू कोल्ड ड्रिंक पीता घूम रहा है। ना मैडम जी, घूम ना रहा था, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पकड़ने गया था। क्या पकड़ा फिर? ले या थैंक यू। बात बता, कमाई कितनी हुई है? गल्ला दिखा मुझे। गले की चाबी तो फिट करी ब्रो, रख के भूल गई कहीं? पैदा होना नहीं भूला तू, है चाबी रख के भूल गया? खैर अच्छा सुन पुत्तू, पकड़ इसे। मैं ना तेरे लिए पकोड़े लेके आई थी, मुझे लगा मेरा पुत्तू काम कर करके थक गया होगा ना। यस मम्मी, थक भी गया हूँ और भूख भी लग रही है। हाँ अपना पकोड़े दो, निकलो यहाँ से। आई मीन अगर खा चुपचाप। ये यहाँ बैठे बैठे पकोड़े खा रहे हैं? तो उत्तर बन के कौन बैठा है यार? ये हाथी बाजार में तो एक से एक नमूने हैं भाई। गॉड विक्रम, तेरा तो एंटरटेनमेंट गारंटेड है यहाँ पे। हाँ जरा इन कबूतरों को उड़ाया जाए। आती हूँ। बाइक निकल गई, हमको भी निकलना पड़ेगा। अरे कौन ये फोन कर रहा है? हाँ भाई, हम जहाँ तुम वहाँ, और किससे बचता बचाता फिर रहा है अब? किसी से नहीं, मैं तो वो सोने का भाव देख रहा था। ओ तेरी, सोने सी शकल का लौंडा सोने के रेट चेक कर रहा है, वो भी उल्टे न्यूज़पेपर में। बड़ा ही टैलेंटेड है भाई तू। वो बहन की शादी करानी है ना, तो गहने खरीदने, तो चेक करता रहता हूँ मैं। बहन के लिए गहने? हाँ, रोज काम करता हूँ, पैसे जमा करता हूँ, और फिर रेट देखता हूँ तो बढ़ चुका होता है, पैसे पूरे नहीं होते। टेंशन ना ले, होंगे जरूर होंगे। इधर मेरी बात सुन, अगर तू छोरा नहीं होता छोरी होता ना, बाय गॉड मैं तुझ पे लाइन मारता। ओए होए, ओए होए, कतई लड़कियों वाले रिएक्शन है एकदम। अरे तू तो
तू तो शर्मा के लाल हो गया। वो कहते हैं ना ब्लस, अरे तू तो ब्लस कर रहा है। अरे 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 कहाँ को जा यार। मैडम जी मन्ने तो पता ही नहीं था कि पुत्तू भैया इतना टैलेंटेड है। मैं तो आपको भी कहता हूँ आप खुद अपने बाल कटवा लो, आंखें फटी की फटी रह जाएगी। हाँ तो इसीलिए तो आई हूँ मैं। लो बताओ अपनी पोटली में लाल और मैं गरीब सुशीला के आगे हाथ जोड़ते फिर रही हूँ। ए पुत्तू आजा काट दे बाल। अब क्या करूं मैं, कैसे काटूंगा बाल? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।